तो स्वागत है आपका डे 27 या 28 ये होने वाला है और आज दो और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हम लोग लपेट चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो भैया डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डे वन से लेके देख डालो, इस बात की गारंटी है आने वाली 10-12 वीडियोस के अंदर पूरी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर केमिस्ट्री का जो क्लास है वो शाम को रखिए, कॉलेज वगैरह जाना होता है, तो हमने कहा चलो भाई शाम को पब्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस का टाइम हमने एक्सचेंज कर दिया भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले आज हम लोग दो तीन चीजों पर बात करेंगे। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कोलिजन डायमीटर क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन नंबर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत आसान है। सुनो, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। बोले राहों में उनसे मुलाकात हुई, टक्कर नहीं हुई ना भाई, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब होता है टक्कर हो गई, चलते चलते कोई टक्कर से गाना याद हो तो बताना, फिलहाल कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, क्या होता है व्यास। जैसे भैया जे है केंद्र, जे मान लिया खींच लिया एक वृत्त या गोला, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र जितनी दूरी प्रकार में भरी है उसे रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या का अगर डबल कर दें तो उसे कहते हैं डायमीटर यानी व्यास। या इसे कह सकते हो भैया दो हमने ले लिए, मान लिया देखो एक और ले लिया पड़ोस में, तो अगर सरल भाषा में कहें तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। ऐसे यहां से यहां तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास कहलाता है। सीधी सी बात है, लो मेरे भाई यहां पे हमने इस तरीके का चित्र बना दिया। ये क्या है मेरे भाई, कोलिजन का मतलब क्या है, दो लोग आपस में आके टकरा रहे हैं और जब टकराएंगे तो यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, रेडियस का दुगना डायमीटर। काहे से लिखोगे, सिग्मा से लिखोगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा, दो कोलाइड करने वाले यानी टकराने वाले मॉलिक्यूल्स के सेंटर, ये देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं के सेंटर के बीच की दूरी, रेडियस प्लस रेडियस इक्वल्स टू डायामीटर। रेडियस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन डायामीटर कहते हैं। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आध एग्जांपल लिख दिया, जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस के लिए एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दोनों टकराए मेरे भाई, तो दोनों के रेडियस का डबल क्या कहलाएगा, डायामीटर। और H2 कितने के लिए सिग्मा कितना होता है, 2.74 एंगस्ट्रॉम होता है भाई, ठीक है। O2 के लिए कितना होता है, 3.16 एंगस्ट्रॉम होता है भाई, ठीक है। उसके बाद भैया बात करते हैं कोलिजन नंबर की, नाम ही है कोलिजन मतलब टकराना, नंबर मतलब कितने लोग टकरा रहे हैं, तो जितने टकराएंगे वो कोलिजन नंबर कहलाएगा। लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसी गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में, अंधाधुंध गैस मॉलिक्यूल कहीं से भी आया कहीं भी टकराया, अंधाधुंध टकराते रहते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। तो भैया एक सेकंड में मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से जितनी टक्करें मारता है यानी एक सेकंड में होने वाली टक्करों को हम लोग कोलिजन नंबर कहते हैं। कितना आसान है भैया, एक सेकंड में जितनी टक्कर होंगी उसे कोलिजन नंबर कह देंगे। तथा एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब एक सेंटीमीटर लंबाई, एक सेंटीमीटर चौड़ाई, एक सेंटीमीटर ऊंचाई, तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम होगा में प्रेजेंट सभी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन्स के नंबर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नाम ही है भैया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है भाई, सीधी सी बात उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर लंबाई एक सेंटीमीटर, चौड़ाई एक सेंटीमीटर, ऊंचाई एक सेंटीमीटर, तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर अगर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टक्करें होंगी उनके कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह देंगे नंबर को भाई, ठीक है। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा अगर एक सेकंड में कोलिजन की संख्या निकालें तो वो कितनी होती है, एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में कोलिजन की संख्या होती है Z' बराबर √2π सिग्मा स्क्वायर B^n^2 भाई, ठीक। बी बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज सबको पता होगा भैया, एवरेज क्या करते हो, बोले तुम यूट्यूब से कितना कमाते हो, मान लिया 2 लाख रुपए, तुम एडसेंस से कितना कमाते हो, मान लिया 1 लाख रुपए, तुम स्पॉन्सरशिप से कितना कमाते हो, मान लिया 50,000 रुपए, तुम ऑफलाइन कोचिंग से कितना कमाते हो, बोले 2 लाख रुपए, सबका एवरेज क्या हो गया, तो एवरेज निकाल लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ दो उत्ते से भाग दे दो, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं मेरे भाई, ठीक है। कोलिजन की संख्या को क्या कहते हैं, Z' बराबर √2π सिग्मा स्क्वायर B^n^2 भाई, सीधी सी बात है। ये क्या होगा, एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में कितनी टक्करें हो रही है, ठीक है। अब एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा अगर कहते हैं दो गैस मॉलिक्यूल के द्वारा तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे, यही हमने लिखा, इसलिए एक सेकंड में n^2 गैस मॉलिक्यूल, 2 गैस मॉलिक्यूल तो 2 से गुणा, 3 गैस मॉलिक्यूल तो 3 से गुणा, 5 गैस मॉलिक्यूल तो 5 से गुणा, और अगर n^2 गैस मॉलिक्यूल तो n^2 से गुणा हो गई, यहां पे केवल n^2 था, यहां पे n^2 का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है।
जब भी कभी टक्कर होगी तो जो कोलिजन हो रहा होगा, टक्कर हो रही होगी, उसमें दो लोग भाग लेंगे। तो ये जो हमने निकाली है कोलिजन्स की संख्या, ये टक्करों की संख्या आई है, लेकिन ये दो लोगों के लिए है। प्रत्येक कोलिजन में दो गैस मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, अतः जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होगी वो एक के लिए कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कैसे मेरे भाई, मान लिया दो आदमी के पास 10 रुपए हैं, तो एक आदमी के पास कितने हैं, दो से भाग दे दो, 2 × 5 = 10। तो जितने भी नंबर निकल के आए हैं ये एक आदमी के थोड़ी हैं, दो लोगों ने मिलकर टक्कर करी है, तो एक आदमी का आधा, एक आदमी का आधा, यानी फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो टक्करे हैं, उसे हम लोग 2 से भैया भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे ऊपर चल रहा है √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे में √2, और ऊपर पहले से चल रहा था एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी जो NC निकल के आएगा, NC का मतलब C फॉर कोलिजन, जो NC कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर बी बार और एन बार स्क्वायर भाई, ठीक है। ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मेन फ्री पाथ क्या होता है ये आपको करा चुके हैं, इसी का ही टॉपिक था। आप चीजों को जो छोटी छोटी चीजें उन्हें करा रहे हैं, बाकी जो स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह, ये सब कराने के बाद बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तो 10 से 12 और ये आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स को लेके आ रहे हैं कहां मेरे भाई, चैनल है BDKDN BSC, उस पर पब्लिक करने वाले हैं, बस तैयार हो जाओ, हो सकता है अभी 10:30 बजे वीडियो पब्लिक हो जाए, वरना कल आपको वो वीडियो पब्लिक मिल जाएगी भाई, ठीक। थोड़ा सा उस पर काम रह गया क्योंकि हम चाहते हैं बेहतरीन कॉन्टेंट दें। क्या कॉन्टेंट होगा भैया, उसमें चैलेंज लेके आ रहे हैं आपके लिए कि 20-25 दिन का कुछ चैलेंज हो जाएगा, उसमें डेली आपको ये वीडियो हम देने वाले, वो वीडियो दे देंगे और आप आराम से जाके पेपर दे आओगे बेहतरीन मेरे भाई, ठीक है। बाकी इस समय इसकी PDF वगैरह सब टेलीग्राम पे देंगे, पूरे नोट्स डलवा देंगे भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSC सर्च कर लेना, बिल्कुल फ्री चैनल है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी एप्लीकेशन है उसका लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, इस समय 15 अगस्त तक 100 रुपए और कम हो गए, केवल 251 रुपए में सारी वीडियो, सारी PDF सब पड़ी हुई है। ये जो नई वीडियो बन रही है YouTube पे, ये भी सब वहां पे न्यू वीडियोस फोल्डर्स में अपलोड हो जाएंगी बहुत ही जल्द भाई, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने कोर्स तो ले लिया है लेकिन नई वाली वीडियो नहीं मिलनी, अपलोड नहीं होनी, भाई नई पुरानी सब एक ही है, हम ही ने पढ़ाई हुई है भैया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है बार 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 पढ़ते रहो, उसके अलावा ये जो वीडियोस हैं ये भी अपलोड करवा देंगे एक आध दिन के अंदर, देख कहीं से देखो यार, मेरा मानना है पढ़ो। 3 साल YouTube पे होगा, 3 बार पूरा पूरा कोर्स पढ़ा चुके हैं, कोई एक प्लेलिस्ट पकड़ लो पढ़ डालो मेरे भाई, जाके पेपर दे आओगे, सीधी सी बात है। बाकी चाहो तो Instagram पे फॉलो करो, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, शॉर्ट वीडियोज डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।